के बीच हो रहा विवाद पहुंचा थाना। थाने में एक महिला ने दूसरे महिला के देवर पर लगाया अश्लील हरकत करने का आरोप। मामले के जांच के नाम पर उक्त युवक को दो दिन से थानेदार ने बिठाया थाने पर। युवक की भाभी पहुंची प्रार्थना पत्र के साथ थाना। थानेदार ने बिना सुने फाड़ दी प्रार्थना पत्र और अश्लील शब्दों की लगाई बौछार। कुपित महिला पहुंची पुलिस अधीक्षक बलिया के पास, लगाई न्याय की गुहार। मामला सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के खरकी कोत गांव का मामला। एंकर पिंकी सिंह के साथ बलिया से संजय तिवारी की रिपोर्ट। श्वेता यादव कहाँ रहने वाली? हरी कहीं नवा नगर। अभी कहाँ आई हैं? अभी आप एसपी ऑफिस। क्या मामला है अभी? हम सिकंदरपुर थाना में गए थे तहरीर लेके, वहाँ का जो एसएचओ है मेरा तहरीर फाड़ दिया, उल्टी सीधी अश्लील बातें सभी कर रहा था। कहने पे मेरे साथ छोटे देवर गए थे, वो उनको दो दिन से जेल में पकड़ के रखे हैं। शाम बोले कि 5 बजे शाम को छोड़ देंगे। जाने के बाद वो बोल रहे हैं कि रात देर तक रुको, 9 बजे के बाद छोड़ेंगे और नहीं छोड़ेंगे। कब से किस मामले में ले गए हैं आपके देवर को? एक औरत है जो धक्का देके मारपीट की। अच्छा, यही मामला है? छेड़खानी का मामला? नहीं, छेड़खानी नहीं है, बस प्रेग्नेंट। मैं प्रेग्नेंट हूँ, बात बात में वो हमको धक्का देके गाली देते हुए निकल गई और उल्टे बच्चे पे चोट आई और थाने में जाके उल्टा केस कर दी कि हमको गाली दे रही थी। मेडिकल रिपोर्ट साथ लेके आए हैं। अच्छा, तो अभी आप कहाँ पे आई हैं? हम बनिया एसपी ऑफिस आए हैं। तो कौन छेड़खानी आपके साथ करता था? मंजू देवी खरीदने के रहने वाली है। आपके साथ कौन थाने में गई थी? तो कौन? बाल मुकुंद मिश्रा। और कौन? विजय यादव सिपाही। आपके साथ क्या कर रहे थे लोग? हमारे अपने एसएचओ अपने कक्ष में बुलाया और अश्लील बातें करने लगा। मैं बोली तो कह रहे कि तू सती सावित्री नहीं है, तुम्हारे पूरे परिवार को उल्टा FIR दर्ज करा के सबको फंसा दूंगा। और जो औरत थी बोले वही है कि राजा है, जो कहेगी वही होगा। अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल News Crime 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।